और यहीं मैंने 6वीं से 12वीं तक पढ़ाई करी है। नेपाल से यहाँ आए काम करने के लिए। बुद्धि लोगों का आशीर्वाद है तेरे पर। बैंकिंग में सिलेक्शन हुआ है, यहाँ से एक सम्मान मिला है। तो सुबह सुबह आज जैसे बाहर निकले तो सामने का माहौल कुछ ऐसा है, थोड़ी देर में सनराइज भी होने ही वाला है और सामने बर्फ से ढकी हुई चोटियां बड़ी सुंदर लग रही हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। सामने देखिए अभी अभी चौकम्मा पर्वत पर ग्लेशियर टूटा है, वहाँ देखिए पूरा धुआं धुआं सा माहौल हो रखा है उस जगह पे जहां ग्लेशियर टूटते हैं। बाकी मुझे कल अपने विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज मनसुना से इन्विटेशन आया है, आज दिन में वहां पे भी मुझे जाना है। चलो जी, घर पे काम भी लगा हुआ है, घोड़े खच्चर और सरिया वगैरह सानने वाले भी लगे हुए हैं, तो ये पूरा खेत लगभग भरने वाला है कुछ टाइम में सामान से। और अभी काम शुरू होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। चलो जी, सारा सरिया घर तक पहुंच चुका है, 20 कुंटल ये सरिया है। जो लोग सरिया सारने का काम कर रहे हैं नेपाल से यहाँ आए काम करने के लिए, बहुत मेहनती है भाई, दिन भर लगे रहते हैं हार्ड वर्क करने पे। बाकी आप लोग इंजॉय कीजिए पहाड़ों के ये खूबसूरत से नज़ारे, जहाँ आजकल बादल बिल्कुल कम दिखाई दे रहे हैं और पहाड़ बिल्कुल क्लियर हो रखे हैं। दिन के अभी 12:30 होने वाले हैं और चलते हैं अभी अपने विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज मनसुना में, जहाँ पे मुझे इनवाइट करा हुआ है। देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये है जी अपना मनसुना मार्केट, और मार्केट के पास में ही यहाँ पे है अपने विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज मनसुना का गेट, और सामने देखिए चौकम्बा पर्वत यहाँ से भी दिखाई देता है बड़ा सुंदर सा। चले जी, पहुँच चुका हूँ अपने विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज मनसुना में और यहीं मैंने 6वीं से 12वीं तक पढ़ाई करी है। अब तो यहाँ पूरा माहौल चेंज हो गया है, बहुत सारा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, बहुत समय के बाद यहाँ आना हो रहा है। और ये स्कूल का ग्राउंड है जहाँ पे की प्रेयर वगैरह होती हैं। नीचे ये मनसुना गांव है और सामने मधमेश्वर घाटी बड़ी सुंदर दिखाई देती है यहाँ से। इस जगह पे ये बड़ी सी बिल्डिंग नहीं थी, ये हाल ही में यहाँ पे बनी हुई है। और इस जगह पे पहले एक टिन वाली बिल्डिंग थी, तो वो भी पूरी तोड़ के नई बिल्डिंग बन गई है। और अभी इंटरवल का टाइम है तो सभी स्कूली बच्चे मस्त में से बैठे हुए हैं, कुछ खेल खेल रहे हैं। जब हम इस विद्यालय में आए थे तो 6वीं-7वीं क्लास यहाँ चलती थी, 8वीं क्लास यहाँ पे, और 9वीं-10वीं क्लास यहाँ पे एक पुरानी सी बिल्डिंग थी, 11वीं-12वीं यहाँ और रोड के ऊपर साइंस वालों की पढ़ाई होती थी। तो सभी स्कूली बच्चे ग्राउंड में बैठ चुके हैं, बाकी इधर साइड 6वीं क्लास 7वीं क्लास 8वीं क्लास और धीरे धीरे आगे तक बढ़ती जाती हैं क्लासेस। बाकी आज मुझे यहाँ विद्यालय में बुलाया है, यहाँ पे करियर काउंसलिंग है, तो सभी बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करना है, अपने बारे में बताना है, अपनी जर्नी के बारे में बताना है और वो कैसे आगे ऑनलाइन या सोशल मीडिया से कुछ अच्छा कर सकते हैं, इस बारे में उनको जानकारी देनी है। तो मेरा सौभाग्य है इस पुनीत अवसर पर आपके मार्गदर्शन के रूप में आए हैं। स्वागत स्वागत अभिनंदन करें। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आप दोनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये विद्यालय के लिए बड़े गौरव की बात है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस विद्यालय से मैंने पढ़ाई करी है यहां पर मुझे गुरुजनों के द्वारा बुलाया गया है, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मैं चाहता हूँ आप मेरी विफलताओं को पहले सुने, उससे पहले बैंक। हर एक व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है कि आपके कारण हम लोग जो है अपने पहाड़ से जुड़ पाए, और हम चाहेंगे अपनी सफलता के विषय में भी बताया, अपनी असफलता के विषय में भी बताया, तो दोनों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तो बहुत ही आदर्श छात्र रहे हैं, इन्होंने आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारियां दी, बल्कि एक सिस्टर इन लॉ अमेरिका में है तो वो वहां से कह रही कि उसको हमसे ज्यादा जो है जानकारी है यहाँ के बारे में। तो हम लोगों को विश्व तक फैलाने का काम इस छात्र ने किया है, ये छात्र बहुत बहुत बधाई का पात्र है। चलो जी, इवेंट भी पूरा हो चुका है, बाकी सभी जो भी विद्यार्थी हैं अब इसके बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। यहाँ से एक सम्मान मिला है, इसके लिए पूरे विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कि यहाँ से हमने पढ़ाई करी और यहीं आज हमें बुलाया गया
सभी बच्चों को संबोधित करने के लिए इससे बढ़िया बात हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। बाकी इन सभी छोटे बच्चों को देख के अपने स्कूल के दिनों की यादें ताजा होगी। सभी छोटे बच्चे लगभग अपनी वीडियो देखते हैं। पूरे स्कूल में सभी गुरुजनों से मिलके, सभी विद्यार्थियों से मिलके बढ़िया लगा। बाकी सचिन भाई को भी यहाँ पे बुलाया था, जिसका अभी बैंकिंग में सिलेक्शन हुआ है, तो बधाई है आपको। शुक्रिया। बाकी सचिन भाई ने बहुत अच्छे से छोटे बच्चों को मोटिवेट करा है, अच्छा लगा सभी से मिलके। चलो जी, आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, अपने विद्यालय में जाके अच्छा लगा। और सभी छोटे बच्चे अभी घर को जा रहे हैं, छुट्टी हो चुकी है सभी की। स्कूल टाइम के दिन तो दोबारा लौट के आते नहीं हैं, लेकिन कहना चाहूंगा जो भी बच्चे अभी स्कूल पढ़ रहे हैं तो इंजॉय कीजिए इस टाइम को, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आता है। आज सभी इसी वाले घर पे थे, माँ भी आज यहीं रही, खाना बनाया मस्त में से। गाँव में गए थे क्या क्या आज? गांव में मीटिंग है, कल हमारी बंदर की बारी है। मतलब कि गांव के काम भी बहुत जरूरी हैं। बाकी अब माँ को छोड़ने के लिए पुराने वाले घर पे भी जाना है, वहाँ के काम भी जरूरी है। गांव में आजकल हर जगह कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है और आजकल ही यहाँ काम करने वाले आसानी से मिलते हैं। यात्रा सीजन खुलते ही सभी लोग यात्रा वाले रूट पे चले जाते हैं काम करने के लिए। ए नोने, तुम यहाँ पानी था कितना यहाँ तुम्हें पानी उड़ो कितना वाले बंद है कब आर वे? और यहाँ पे गांव की महिलाएं लगी हुई हैं जंगल से पत्तियां वगैरह इकट्ठा करने पे। मैं अभी पूछ रही है कि स्कूल में क्या क्या हुआ, बोला क्या क्या चीजें तूने बोली, तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये बोला, ऐसे ऐसे बोला। कैसे लग रहा है कि स्कूल से निमंत्रण आया है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी स्कूल से तूने पढ़ा, बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद है तेरे पर। वो तो बहुत ज्यादा है भाई। बारिश लगने के बाद पहाड़ों में इतनी तेज धूप लग रही है, लग रहा है जैसे कि गर्मियों का मौसम आ गया हो। और धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाएगी और उसके बाद फिर तो क्या ही बोले, यहाँ इस वाले घर पे बड़ी गर्मी लगती है और गिरिया की तरफ थोड़ा सा माहौल सही रहता है। और धीरे धीरे यहाँ आरू के पेड़ पे देखिए बहुत सारे फूल और नए नए कोपले खिलने लगी हैं। चलो जी, गौशाला में पहुंच चुके हैं। बाकी अब इसके बाद यहाँ के काम निपटाने हैं माँ को। अरातल मास में से खटाई का आनंद ले रही है, माल्टे की खटाई, माल्टे खा रही है। कितना सुकून है ना इन पहाड़ों में, चारों ओर पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है, मौसम भी आजकल बिल्कुल साफ है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, धूप की तेज भी लग रही है। ऐसा माहौल तो सिर्फ गांव में ही देखने को मिलेगा भाई। थोड़ी देर में बस सनसेट होने ही वाला है इन पहाड़ों से और माँ ने अभी सारे काम निपटा दिए हैं। और आज मैं गया था पायल के स्कूल में। पायल कैसा लगा? सामने की बर्फ से ढकी चोटियों से बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी है क्योंकि धूप बड़ी तेज लग रही है आजकल। और आजकल पहाड़ों में घूमने का भी सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि पहाड़ बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। हम भी प्लान कर रहे हैं कुछ दिनों में घूमने का, देखते हैं कहाँ कहाँ हम जा पाते हैं इस बारी। शाम के 6 बजे अभी घर पे पहुंच चुका हूं। बाकी अपने साथ एक चावल का कट्टा भी ले आया हूं मार्केट से। और जैसे घर पे पहुंचा, सामने देखिए चौखमा पर्वत पे सूरज की आखिरी आखिरी किरणें बड़ी सुंदर लग रही हैं। और पास में देखिए गांव के छोटे छोटे बच्चे मास में से कबड्डी वगैरह खेल रहे हैं इन आजकल खाली खाली खेतों में। घर पे आने के बाद ये जो सम्मान हमें विद्यालय से मिला है तो इसको देख रहा हूं। और इस पे ना अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी है, मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ये सब चीजें मिली हैं, तो धन्यवाद आप सभी का भी। कैसे लग रहा पप्पा जी को? बढ़िया लग रहा भाई। उस सरस्वती माँ की सेवा की तो उसने आज तेरे को भी ये आशीर्वाद दे दिया। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। बाकी अब मेरा जो कंप्यूटर टेबल है ये फुल भरता जाएगा इन ऐसे अवार्ड से और ऐसे सम्मान से। और यहाँ पे एक मिला था केदार घाटी सम्मान जो कि त्रिजुगी नारायण मेले में मिला था और ये आज सेम कुछ ऐसे ही मिला है अपने विद्यालय से माँ के लिए। थैंक यू। कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा, मेरे बच्चे को भी मिल गया तो सबके बच्चों को मिलना चाहिए ऐसा। अच्छा, तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। बाकी इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।